मेरे लेफ्ट शोल्डर पे फ्रोजन शोल्डर था, तो मेरा बाजू उठता नहीं था ऐसे, जैसे अच्छा राइट में फट से उठा लेती थी, ये ऐसा लगता था नहीं उठा पाती थी। अच्छा तो यहाँ पर आके देखिए, अब पूरा मूव हो रहा है इधर भी पीछे। होगा, फटाक से इधर भी जी होगा। जी बिल्कुल, पीछे की तरफ नहीं जाता था, बहुत मुश्किल होती थी। अब पीछे भी जा रहा है हाथ मेरा, ये देखिए, अरे लो, ये देखो। अब पीछे पहले जैसे ये ऐसे ऐसे जा जाता था, ये ऐसे इतना ही तक अटक जाता था, अब पूरी यहाँ तक तो जा ही रहा है जा रहा है उल्टा। बिल्कुल। ऐसे भी कर पा रही हूँ। राइट थाई पे मुझे क्या था, कुछ देर जैसे खड़े होकर काम कर रही हूँ किचन में, तो मेरा ये हाँ पूरा सुन हो जाता था अच्छा, जी, ये पूरा सुन हो जाता हाँ था। पूरा सुन हो जाता था ये। हाँ, अब तो बहुत, मतलब काफी देर खड़े होने के बाद भी कुछ महसूस नहीं अब हो मजा आ रहा रहा जी बिल्कुल। और है। मुझे मतलब मेरे बॉडी में लग रहा है बिल्कुल लाइट हो गया, हल्का सा लग रहा है, अच्छा बहुत हल्का हल्का महसूस होता है, जैसे उड़ जाऊंगी ऐसे हल्का सा। सही में कार्ड नंबर 20882, नंदिता मजूमदार। जी, वैसे तो दर्द कहीं का भी हो सारी दुनिया हिला के रख देता है, लेकिन दर्द जब अपोजिट हो तो चिकित्सक की दुनिया भी हिला ही देता है। कैसे? अगर मान लो बाई चांस सीधे हाथ में दर्द है, सीधी टांग में दर्द है, तो समझ में आता है कि राइट साइड का दर्द है। लेकिन दर्द जब राइट टांग में हो और लेफ्ट शोल्डर में हो, फिर तो इलाज करने वाले की दुनिया भी हिलाता है कि इधर वाला ठीक करें कि इधर वाला ठीक करें, एसिड ठीक करें कि एल्कलाइन ठीक करें। लेकिन हरि की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है, ठीक हो जाता है। तो चलो सुनते हैं नंदिता जी से, उनका क्या हाल था, हाले दिल क्या था, थोड़ा बताओ जी, अब कैसी हो? सर अब तो पहले मैं परिचय बहुत, भी दे दो, कहाँ से आई जी हो। मेरा नाम नंदिता मजुमदार है, मैं महावीर एन्क्लेव से आई हूँ जो पालमकेप तरफ है। अच्छा मेरे लेफ्ट शोल्डर पे फ्रोजन शोल्डर था, तो मेरा बाजू उठता नहीं था ऐसे, जैसे अच्छा राइट में फट से उठा लेती थी, ये ऐसा लगता था नहीं उठा पाती थी। अच्छा तो यहाँ पर आके देखिए, अब पूरा मूव हो रहा है इधर भी पीछे। होगा, फटाक से इधर भी जी होगा। जी बिल्कुल, पीछे की तरफ नहीं जाता था, बहुत मुश्किल होती थी, अब पीछे भी जा रहा है हाथ मेरा। दिखा दो जरा, खड़े होके एक बार, जी कितना जा बिल्कुल, रहे हो उधर। ये देखिए, अरे लो, ये देखो। अब पीछे पहले जैसे ये ऐसे ऐसे जा जाता था, ये ऐसे इतना ही तक अटक जाता था, अब पूरी यहाँ तक तो जा ही रहा है जा रहा है उल्टा। बिल्कुल। ऐसे भी कर पा रही हूँ, अच्छा तो ऐसे भी कर पा रही ऐसा हो। ऐसा पहले यहाँ पर लगता था, हल्का सा तो लगेगा अभी थोड़ा, तो बाकी तो है ठीक है। अच्छा और कहाँ राइट पीठ? थाई पे मुझे क्या था, कुछ देर जैसे खड़े होकर काम कर रही हूँ किचन में, तो मेरा ये हाँ पूरा सुन्न हो जाता था अच्छा, जी, ये पूरा सुन हो जाता हाँ था। पूरा सुन हो जाता था ये। हाँ, अब तो बहुत, मतलब काफी देर खड़े होने के बाद भी कुछ महसूस नहीं अब हो मजा रहा आ रहा जी बिल्कुल। और है। मुझे मतलब मेरे बॉडी में लग रहा है बिल्कुल लाइट हो गया, हल्का सा लग रहा है, अच्छा बहुत हल्का हल्का महसूस होता है, जैसे उड़ जाऊंगी ऐसे हल्का सही सा। सही में इतना बात हल्का है, हल्का महसूस हो देखिए रहा है। हमको इसी में मजा आता है। और सौभाग्य के बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता उनका शरीर कितना भारी है। जी बिल्कुल, मतलब अब महसूस हो रहा है कि भारी था। हाँ अब पता चल रहा है भारी था, मतलब जैसे जिनको गैस एसिडिटी बनती है ना, मतलब छोटी मोटी बनी, उतने यूज्ड हो जाते हैं, उन्हें लगता है कोई ये फर्क ही नॉर्मल नहीं पड़ है रहा। लेकिन जब उनकी एसिडिटी गैस कम हो जाती है ट्रीटमेंट लेने के बाद में, कहते यार इतना हल्का कैसे हो गया, ये सारा एरिया हल्का हल्का हो गया। ऐसे ही होता है, आम के आम और गुठलियों के दाम है। हमने ट्रीटमेंट तो दिया था केवल कंधे के लिए, टांग के लिए भी दिया था, लेकिन वजन हल्का हुआ और जो अंदर से लाइट फील हुआ, और जो कहते हैं ना जीने की बड़ी चाहत आ रही है, खुशी, जो अंदर की जो खुशी होती है वो अलग अंदर की बात खुशी है होती वो है अलग ही है, वो चेहरे पर चमकती है। जी तो बिल्कुल। यही आज मुझे है। बहुत खुशी हो रही है कि मेरी ये लास्ट डे था और मैं बिल्कुल स्वस्थ होके जा रही हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक होके जा रही है, टेस्ट भी कर लिया ना रसोई में खड़े होकर। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि रसोई में तो डेली का काम होता है, और डेली जो तकलीफ होती थी, अब तो समझ में आ रहा है कि बिल्कुल क्योर हो गया, वो सही नहीं है, हो ठीक रहा है। बात है। वो तो तड़फ वाले दिन थे जो पता चलता था कि मैं खड़ी हो रही हूँ, हाँ, तब पैर उठा तो के नहीं तब ये गुजर पता चलता था टांग की वैल्यू क्या है। जी, दर्द अब दर्द टांग की वैल्यू क्या है। और तो मैंने देखा है बहुत से लोगों को, मतलब इतना शोल्डर फ्रोजन हो गया, वो कहते मैं बालों तक हाथ नहीं लेके जा सकती हूँ, एक हाथ से धोती हूँ दूसरे हाथ से मुंह ही नहीं धो सकती हूँ, ये हाल हो जाता है मुझे लोगों शोल्डर में का। बहुत तकलीफ होती लेकिन है यहाँ अच्छे हो जाते हैं। तो जैसे नंदिता जी ठीक हुई हैं, ऐसे बाकी लोग भी ठीक हों, कितना जी। मजा आता है, बिना दवाई के, बिना मशीन के, बिना साइड इफेक्ट के ठीक हों, कितना अच्छा लगता है। इसीलिए इनकी वीडियो को आप अपने अधिकतम लोगों को शेयर करिए। क्यों?
निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, ऑपरेशन कराने की तरफ चले जाते हैं, दवाइयों के साइड इफेक्ट में घूमते रहते हैं, है ना। एक दवाई एक बीमारी को ठीक करने के लेते हैं, तीन बीमारियां पैदा कर देती है। तो ऐसे में बिना दवाई के इलाज हो, भारतीय अर्धनारेश्वर के सिद्धांत से इलाज हो, तो ये बात ही अलग है। इसीलिए इनके अधिकतम वीडियो को आप अधिकतम शेयर करिए और अपने घर के किसी मेंबर को सिखाइए। ये हम तो सिखा भी रहे हैं, ऑनलाइन भी सिखाते हैं, ऑफलाइन भी सिखाते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स भी है डिजिटल, उसे हमारे गुरुकुल के माध्यम से ऑनलाइन स्किल का, और यूनिवर्सिटी का 4 साल का कोर्स भी है। अब तो 12वीं के एग्जाम खत्म हो रहे हैं, तो 12वीं के विद्यार्थी जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके घर में शेयर कर दीजिए, वो सीख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उनका भविष्य बन जाएगा, इतना अच्छा है। लर्निंग और अर्निंग दोनों भी शुरू हो सकती है। तो इनका वीडियो अधिकतम शेयर करिए और घर घर न्यूरोथेरेपी पहुंचाने में हमारा योगदान करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कंधा दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन बहुत सारे रहते हैं, और अगर घुटनों की बीमारी आ गई तो एक एक कदम पहाड़ जैसे लगने लगता है और जिंदगी बोझ बन जाती है। बीमारी की कोई उम्र नहीं है। आरोग्य पीठ लाया है बिना दवा बिना साइड इफेक्ट के इतनी भयंकर बीमारियों को रिवर्स करने का जबरदस्त तरीका वेलनेस न्यूरोथेरेपी। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाओ, कॉल करो और अपने रोगों से, अपनी बीमारियों से परमानेंट छुटकारा पाओ।